الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. پاکستان میں چاند کے حساب سے آج 6 تاریخ ہے اور اس خطے کے بسنے والے آج کے دن اپنے ایک محسن کی یاد مناتے ہیں. میں بھی اس موقع پر ان کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کا کچھ ہدیہ پیش کروں گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور اس دنیا کو برتنے کے لیے ہمیں نظام عطا کیا. ہمارا دین دین اسلام کامل اکمل فطری دین ہے جس کو ہمارے رب نے ہمارے لیے
पसंद किया। इस दीन में यह वाज़े है कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, उनके बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं है। ख़त्म नबूवत बुनियादी अहम अकीदा है, जो इसको नहीं मानता उसका इस दीन से कोई ताल्लुक नहीं। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल की तरफ तशरीफ़ लाए, उन पर अल्लाह ताला ने तौरात नाजिल फरमाई। इस तौरात की तबलीग के लिए, तबलीग के माने हक बात पहुँचाना, 4000 पैगंबर मबऊस हुए, मबऊस होने के माने भेजे गए। तौरात की तबलीग के लिए हर इलाके और मुद्दत के हवाले से जितनी उनको मुद्दत अता की गई उन्होंने उस फरीज़े को अंजाम दिया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर क़ुरान करीम नाजिल हुआ, जो तमाम आसमानी किताबों और सहीफ़ों का जामे भी है और आखिरी किताब है। उसके बाद किसी किताब का कोई तसव्वुर नहीं अल्लाह की तरफ से नाजिल होने के हवाले से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, क़ुरान आखिरी किताब। जब तौरात की तबलीग के लिए इतने पैगंबर भेजे गए तो क़ुरान के लिए क्या इंतज़ाम हुआ? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की शान क़ुरान बताती है, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। तीन बातें हैं कि उन पर अल्लाह की आयतें तिलावत करना, व युज़क्कीहिम उनको पाक करना, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा और उनको किताब और पुख्ता इल्म, हिकमत, दानाई, सुन्नत सिखाना। तो इन तीन कामों को अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जारी रखा। नबी तो कोई नहीं आएगा, ये काम उलमा के सुपुर्द हुआ। अब यहाँ दो बातें वाज़े तौर पर फिर दोहराऊंगा, पहले भी आपने सुनी हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं औलिया और हैं, उलमा और हैं, ये गलत फहमी है। कोई जाहिल हरगिज़ वली नहीं होता, अल्लाह का वली नहीं होता। क़ुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वत्तकुल्लाहु वयुअल्लिमुकुमुल्लाहु, और डरो अल्लाह से वो तुम्हें इल्म अता फरमाएगा। तो अल्लाह से डरने वालों को अल्लाह की तरफ से जो इल्म व फहम समझ अता होती है वो हर एक का हिस्सा नहीं है। उलमा और औलिया एक ही है, काम का अंदाज, क्योंकि एक होती है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। एक जगह लफ्ज़ सिखाए और समझाए जाते हैं, दूसरी जगह उन पर अमल करके दिखलाया जाता है, उन पर अमल करवाया जाता है। एक होती है दरसगाह,
एक होती है खानका, दरसगाह में पढ़ाया जाता है, खानका में उसको सिखाया जाता है। ये तरबियत है, यूं कह लीजिए एक जगह तालीम है, दूसरी जगह तरबियत है। उलमा औलिया के मुरीद होते हैं, औलिया उलमा के शागिर्द होते हैं। ये आपके समझने के लिए है। अब मैं आपके सामने मिसाल रखता हूँ। सहाबा के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के सारे सहाबा, हमारा अकीदा अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूलुन, नबी पाक के सारे सहाबा सच्चे हैं, आदिल हैं, मुत्तकी हैं। जब अल्लाह उनसे राज़ी है तो कोई और नाराज़ होता है तो होता रहे, जब मेरा रब राज़ी है तो किसी और की हम कोई उसमें बात सुनने के लिए तैयार नहीं। कुरान ने कह दिया रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राज़ी वो अल्लाह से राज़ी। सहाबा सारे सच्चे, दर्जे में सब एक नहीं है, दर्जा हर एक का अपना अपना। हमारे लिए सब मोहतरम हैं, और कितने मोहतरम हैं ज़रा उसकी एक झलक फिर सुन लीजिए। किसी ने सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि क्या कोई वली बहुत ज़्यादा इबादत करके सहाबी के दर्जे को पहुंच सकता है, बहुत इबादत करे, बहुत नेकी करे तो क्या वो किसी सहाबी के दर्जे को पहुंच सकता है? फरमाया तुम सहाबी की बात करते हो, वो जिन सवारियों पर बैठकर अल्लाह की राह में जिहाद पर जाते थे उनके नाक में जो गुबार जमा हो जाता है उसके दर्जे को नहीं पहुंच सकता। अल्लाह को समझ आ रही है बात। अब हमें क्या पता चला कि गैरे सहाबी, गैरे सहाबी का मतलब जो सहाबी नहीं वो सहाबी के दर्जे को पहुंच सकता। समझ आ गई ना बात? हदीस भी सुन लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जो सहाबी नहीं वो ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में दे, खालिस सोना, और जो सहाबी है वो मुट्ठी भर जौ अल्लाह की राह में दे तब भी वो गैरे सहाबी हरगिज़ सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। अब यहाँ बहुत आसान बात हो गई, जब गैरे सहाबी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता तो गैरे नबी नबी के दर्जे को कैसे पहुंच सकता है? वो लोग जो कहते हैं नबी भी बशर हम भी बशर, तो क्या बराबरी हो सकती है, सोची जा सकती है? ये ज़हन में रखें। तो दर्जे हैं, मर्तबे में सब बराबर नहीं। सहाबा के बाद ताबेईन जिन्होंने सहाबा का ज़माना पाया, उनको देखा, उनकी पैरवी की। ये पैरवी फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसका मतलब उनके तरीक़े पर पक्के हुए, फॉलो किया, उनके नक्शे कदम पर चले, उनको ताबेईन कहते हैं। मानन तो जो भी पैरवी करे वो ताबेईन में हो सकता है, लेकिन वो इस्तेलाहन कह रहा हूँ। उनमें बड़े बड़े नाम हैं, हज़रत इमाम हसन बसरी, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, कितने बड़े बड़े नाम। अब वो लोग जो कहते हैं औलिया और हैं, उलमा और हैं, मेरा उनसे सवाल, क्या इमाम आज़म वली नहीं थे? पूछ रहा हूँ आपसे। कोई कहे कि नहीं जी वो फ़िक्ह के आलिम थे, फ़िक्ह जानते थे,
आलिम थे, उलमा में से हैं, औलिया में से नहीं, तो कोई ऐसा कहेगा तो मानोगे? किताब का नाम फजाइल आमाल तबलीगी निसाब, वो उठाओ, अपनी नहीं दूसरों की, उसमें ये बात मौजूद है कि कोई शख्स वुजू करके जब वुजू खाने से निकलता और उसके जिस्म से पानी के कतरे टपकते, इमाम आज़म उस पानी के कतरे देख के बता देते थे ये शख्स क्या गुनाह करता है, उस किताब में लिखा हुआ। खुद दुआ की, या अल्लाह मैं लोगों के गुनाह नहीं देखना चाहता, ये जो तूने मुझे कुव्वत दी है, निगाह दी है, इस मामले में मुझे इससे अलग कर दे। लेकिन उनको अल्लाह ने ये शान अता की थी, औलिया के सरदार, उलमा के सरदार। तो वो लोग जो ये कहे, अब मिसाल के तौर पर सैयदना गौसे आज़म कितने बड़े आलिम थे कि उनके ज़माने में उन जैसा कोई आलिम नहीं था। वली भी हैं, आलिम भी हैं। तो वो लोग जो कहते हैं मौलवी की शरीयत और है, सूफ़ी की तरीक़त और है, ये कोई बातें सुनने कहने वाली नहीं है, क्योंकि जाहिल हरगिज़ अल्लाह का वली हो सकता नहीं, ये ज़हन में रखना। बेइल्म न तमा खुदा रा शनाख, जो बेइल्म है वो तो अल्लाह को पहचानता नहीं है, तो दूसरों को क्या सिखाएगा, तो ये ज़हन में रहे। अंदाज तरीक़ा कहीं कहीं आपको नज़र आएगा, कोई किसी तरह कर रहा है, कोई किसी तरह, मगर अकायद बुनियाद हैं। क्योंकि वली की निशानी क्या बयान हुई है, कुरान पढ़ें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून, दो निशानियां कि वो लोग ईमान वाले और मुत्तकी। ईमान नाम है अकीदों के सही होने का, मुत्तकी जिसके अमल सही हों, ये दो निशानियां हैं। हवा में उड़ना, पानी पे चलना, चमत्कार आज के ज़बान में बोलते हैं आप, अरबी में करामत, ये हरगिज़ निशानी नहीं है। निशानी ईमान और तकवा। अगर यही बात है तो मैं आपसे पूछता हूँ, करबला में सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो, अपने वक्त के आलिम भी बड़े, वली भी बड़े, उन्होंने किरदार दिखाया या करामत दिखाई? वो हवा को कहते वो तेज़ी से चलती, दूसरे लश्कर को उड़ा के ले जाती, ठोकर मारते चश्मे जारी हो जाते। बादलों को कहते वो बरसते, मगर उन्होंने किरदार दिखाया। तो वो लोग जो कहते हैं जी सिर्फ दिल का हाल बता दे, कोई चमत्कार दिखा दे तो वो वली है, ऐसी कोई बात नहीं, ये ज़हन में रखना। अगर ईमान और तकवा नहीं है तो कुछ भी नहीं। हम लोग अपने अपने पैमाने बना लेते हैं, कुरान ने हदीस ने जो पैमाने दिए हैं। आइए एक मशहूर हदीस सुनाता हूँ, इन काना सहीहन, इसके बारे में मुहद्दिसीन कलाम फरमाते हैं, इसीलिए मैंने इन काना सहीहन कहा, अगर सही हो तो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, फरमाए मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों जैसे होंगे। नबी नहीं होंगे, नबियों नबियों क्या मतलब? काम ऐसे करेंगे जैसे पहले नबियों ने किए।
तवज्जो कन नबी, नबी नहीं कन नबी, नबी जैसे। इसको अरबी में कहते हैं तशबीह मिन वजह, किसी वजह से ये तशबीह है। उसको मैं समझा दूं, जिन्होंने सुना हुआ है वो ज़हनों में ताज़ा कर ले, नहीं सुना है तो याद कर ले। मैं किसी शख्स का नाम लेकर कहूं कि फला शख्स शेर जैसा है, ज़ैदुन कल असद, ये शेर जैसा है। तो शेर तो जानवर है, दरिंदा है, और जिसको कह रहा हूँ वो इंसान है। तो इंसान को हैवान से तशबीह का क्या मतलब हुआ? ये नहीं मुराद कि ये दरिंदा है उसकी तरह या जानवर है, नहीं, शेर की बहादुरी मशहूर है, उसकी कुव्वत मशहूर है। तो कहने का मतलब ये होगा जिस तरह शेर बहादुर है ये उसी तरह बहादुर है, ये शेर नहीं है बल्कि शेर जैसा। समझ आ गई बात? ये तशबीह मिन वजह कहलाती है। तो वो नबी नहीं होंगे, काम ऐसे करेंगे जैसे नबियों ने किए। अब मैं झलक पेश कर रहा हूं, जरा तवज्जो। हर नबी जिस कौम जिस जमाने में आया, अल्लाह ताला ने उस कौम उस जमाने का इलाज भी उसको दिया। फिरौन के जमाने में जादूगरी बहुत ज़्यादा राइज थी मुआशरे में, उसका बहुत ज़्यादा चलन था जादू और उसके ज़ोर का। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वो मोजज़े दिए जिन्होंने जादू और जादूगरों को आजिज़ कर दिया। फिरौन ने जादूगर बुलवाए मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे। उन्होंने जब लोगों को जमा करके जादू वालों को बुलाकर मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला कराया गया, जादूगरों ने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया। जादू से क्या होता है, आपकी